सूरत की लोअर कोर्ट ने 2019 के मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सांसदों और विधायकों की तत्काल सदस्यता चली गई थी। आइए उन सियासी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिनमें सांसदों और विधायकों की सदस्यता तत्काल चली गई थी। इस लिस्ट में पहला नाम है मोहम्मद फैजल। 13 जनवरी को लक्षद्वीप के एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास में एक मामले में स्थानीय सांसद को दोषी ठहराया था। सजा के ऐलान होने के बाद ही लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित करने वाली एक अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने सजा को समाप्त कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने 27 फरवरी को लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव को रोकने का फैसला किया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम है लालू प्रसाद यादव। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाले में दोषी ठहराया था। इसके अगले ही दिन लालू यादव की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया। इस लिस्ट में तीसरा नाम है आजम खान। 27 अक्टूबर 2022 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत मान की रामपुर एमपी एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया। उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसके एक दिन बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने आजम खान की विधायकी खत्म कर दी। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी सजा की घोषणा के साथ ही जा चुकी है। विक्रम सैनी। मुजफ्फरनगर की एमपीएमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में उनकी भूमिका के लिए 2 साल की कारावास की सजा सुनाई। इसके लगभग 1 महीने बाद उनकी सदस्यता चली गई। 7 नवंबर 2022 को एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।